डियर स्टूडेंट गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन जो बनाने की इसकी विधियाँ हैं व्यंजन उस पर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाएंगे। ऐसा एक पार्ट जिस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसके अंदर भी ऐसा ही कार्बन होता है आर सी ओ वन ओ आर कीटोन है या फिर एल्डिहाइड जो होता है आर सी ओ ये जो कार्बन है उसको हम कार्बोनिक कार्बन कहते हैं या फिर ऐसा ही कार्बन होता है। ये कार्बोनिक कार्बन पर आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इसके साथ इस तरह से अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक्षणिक युगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है और उसके बाद में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है नाभिक्षणिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर सबसे पहले जैसे आर सी ओ एच ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिक जो कार्बन इस पर अटैक करेगा। आगे हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बोनिक कार्बन में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युतीयता ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बोनिक कार्बन जो होता है उसका आंशिक धनावेश आ जाता है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिक कार्बन पर अटैक करेगा जुड़ेगा इस प्रकार से कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ऊपर माइनस होगा। यहाँ तक जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन कार्बन पर रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन के समान ही रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन जो इसमें भी आने वाला न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिक कार्बन के साथ में जुड़कर के पहले एडिट प्रोडक्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल के कार्बोनिक कार्बन के साथ जुड़ने के बाद में एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर युक्त में इंटरमीडिएट बनता है चतुष्फलक के मध्यवर्ती का निर्माण होता है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंस प्रक्रिया हो जाती है फिर वापस ऑक्सीजन परमाणु के पास में जो एकांक इलेक्ट्रॉन है वो वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बनाते हुए जो OH है दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है उसको बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से आप देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऐसे कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ जुड़ा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH है वो बाहर निकल गया। इस प्रकार से की जो अभिक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक्षणिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का और इस प्रकार से फाइनली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है पहले जाना न्यूक्लियोफाइल का जो हुआ एडिशन उसके बाद में फिर यहाँ से OH जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है बाहर निकला एलिमिनेशन का इसकी जो क्रिया विधि होगी उसको आप क्या कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म का है नाभिक्षणिक युगात्मक विलोपन क्रिया विधि से ऐसा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है संपन्न होती है। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके युग्मन होते हैं उनके द्वारा जो नाभिक्षणिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अपेक्षित क्रियाशीलता का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है उससे कम इसके जो डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं ऐसे हैलाइड आर सी ओ सी एच उससे कम एनहाइड्राइड आर सी ओ ओ सी ओ आर उससे कम एस्टर आर सी ओ ओ आर और सबसे कम होते हैं एमाइन। तो यहाँ पर ये ऐसे हैलाइड एनहाइड्राइड एस्टर और एमाइन ये क्या है
कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे कम एसिटाइल होगा, उससे कम एनहाइड्राइड होगा, उससे कम एस्टर होगा और सबसे कम एमाइल होगा। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर न्यूक्लियर फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी उसके अंदर गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप पेश है तो वो यह अभिक्रिया इजीली संपन्न होगी। अब हम कुछ इसके अंदर जो रिएक्शन होगी न्यूक्लियर फ्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी न्यूक्लियर फ्री सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया दर्शाए। तो देखिए नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का संश्लेषण कैसे करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया थायरिल क्लोराइड एसोसिएटेड के साथ होती है। थायरिल क्लोराइड एसोसिएटेड के साथ करवाएंगे तो एसिड क्लोराइड बनेगा प्लस SO2 बनेगी प्लस SC। तो यहाँ पर ये थायरिल क्लोराइड एसोसिएटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एसिड क्लोराइड बनाता है। देखिए इसकी क्रियाविधि, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है थायरिल क्लोराइड के सल्फर के साथ ऑक्सीजन के एकांक के इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएंगे ऊपर माइनस में। पहले एक मध्यवर्ती बनेगा आर सी ओ बॉन्ड को, यहाँ पर ऑक्सीजन अपने दोनों बॉन्ड में सल्फर के साथ ट्रिपल बना रहा है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद में तुरंत यहाँ से वापस एकांक में जो इलेक्ट्रॉन जुड़ होंगे ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक पाई बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से Cl में Cl- माइनस के रूप में रिमूव कर देंगे। फिर इस ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज ये सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कम रह जाएंगे और हाइड्रोजन परमाणु एच प्लस के रूप में Cl- माइनस के साथ जुड़ करके एस सी एल बना देंगे आर सी डबल बॉन्ड टू ओ एच डबल बॉन्ड टू सी एल। एक एसाइल क्लोरो सल्फाइड बनता है, एसाइल क्लोरो सल्फाइड आर सी ओ ओ एच ओ सी एल। फिर एसाइल क्लोरो जो सल्फाइड है उस पर न्यूक्लियोफाइल Cl- माइनस का आगे ये Cl- माइनस न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड है। कार्बन कार्बन सी डबल बॉन्ड ऊपर अटैक करेगा इसके साथ मिलेगा ऊपर माइनस वापस से इंटरमीडिएट बनेगा और ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट उसके बाद में यहाँ से वापस ऑक्सीजन परमाणु के एकांक के इलेक्ट्रॉन में वो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाते हैं यहाँ से बॉन्ड डिलीवर हो जाएगा यहाँ से आर सी ओ सी एल ऐसे डायरेक्ट बनेगा प्लस एक अंक एसओ टू का प्लस सी एल माइनस अलग। इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया थायरिल क्लोराइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड का संश्लेषण किया है। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इस तरह का एक नए रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको डार्सन डार्सन रिएक्शन के नाम। अगर एग्जाम में सवाल पूछे डार्सन अभिक्रिया क्या है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया थायमिन क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो ऐसे ही अलग बनते हैं सभी क्रिया में डार्सन अभिक्रिया का यह ऐसे ही अलग बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध 100% शुद्ध एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। एसओ टू होता है वो गैस के रूप में निकल जाता है, एस सी एल ट्रेडिंग की वजह से अभिक्रिया होगी तो इसके द्वारा अधिशोषित हो जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट एसिड क्लोराइड का संश्लेषण फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाकर के लिए संश्लेषण कर सकते हैं। देखिए आर सी ओ टू एस कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ में करवाते हैं तो भी आर सी ओ सी एल एसिड हैलाइड बनेगा प्लस POCl3 प्लस HCl। इसमें से एक फ्लूइड परमाणु कार्बन कार्बन के साथ जुड़ करके RCOCl बना देगा प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्साइड बनेगा और एक हाइड्रोजन
PCNP फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी करवा करते हैं RCOCN SL electrolyte प्लस S3DO3 बने PCNP फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और PCNP दोनों के साथ में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी क्रिया करते हैं एसिड क्लोराइड का संश्लेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट अभिक्रिया में नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का संश्लेषण कैसे करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो एस्टर प्लस H2O बनता है। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाने की जो अभिक्रिया है इसको एस्टरीफिकेशन एस्टरीकरण कहा जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा कि एस्टरीकरण क्या होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनित होकर एस्टर का संश्लेषण करते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रक्रिया को एस्टरीफिकेशन एस्टरीकरण कहा जाता है। एस्टरीकरण कार्य देखिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करवाते हैं तो एथिक एसिड बनता प्लस एक H2O का पार। अगर इस एस्टरीकरण की क्रिया विधि पूछे तो देखिए सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसका प्रोटोनेशन होगा अम्ल अपना एक H+ ऑक्सीजन को बांड को देगा और प्रोटोनेटेड कार्बोनिक एसिड बनेगा। यहां पर देखिए इस कार्बोनिल कार्बन से लगभग ओवर ऑक्सीजन के जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस H+ को एक्सेप्ट करके OH बना देंगे। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यू होते ही इस पर चार्ज के साथ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्रोटोनेटेड कार्बोनिक एसिड बनेगा। इस प्रोटोनेटेड कार्बोनिक एसिड पर जो न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल है वो आकर के अटैक करेगा। तो यहां पर देखिए यहां न्यूक्लियोफाइल का एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु के जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन ग्रुप होंगे वो इस C डबल बॉन्ड को H पर अटैक करेगा कार्बन के साथ के ऑक्सीजन परमाणु में जाकर के ऑक्सीजन को देकर के बंध बनाएगा। तो यहां से इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा अपनी तरफ OH बनेगा और ROH इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को बंध बनाने के लिए दे रहे हैं ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में फिर यहाँ से एच प्लस ट्रांसफर होगा वो ऑक्सीजन के साथ OH के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये सीमा बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से एच प्लस है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड के साथ में जुड़ जाएगा तो ये OH पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से डिप्रोटोनेशन होगा एक एच प्लस वापस बाहर निकलेगा सी डबल बॉन्ड को हो जाएगा और एक एच टू अणु रिमूव हो जाएगा। तो आर सी ओ R C O O R एस्टर बनेगा प्लस एक अणु H2O का पानी डीप्रोटोनेशन होगा और एक अणु जल का रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर का संश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया में नेक्स्ट और अभिक्रिया में एमाइड का संश्लेषण कैसे करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं तो एमाइड प्लस H2O बनता RCO NH2 एमाइड बनेगा प्लस H2O। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कार्बन NH3 के साथ यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है NH3 एकांकी इलेक्ट्रॉन ये जो कार्बन होगा ऊपर माइनस NH3 प्लस। उसके बाद में इस NH3 प्लस में से एक H+ ट्रांसफर होकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा ये हो जाएगा NH2
और यहां से ऑक्सीजन के साथ में आइडियल होने के बाद ये OH प्लस, उसके बाद एक अंक जल का रिंग हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड बना लेंगे, C डबल बॉन्ड RC2NH2 एमाइन बनेगा प्लस H2O बाहर। इस प्रकार से एमाइन कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके एमाइन बनाते हैं। तो ये जो तीन अपन ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एमाइन का सब्स्टिट्यूशन और एसिड का सब्स्टिट्यूशन, एसिड एमाइन का सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड